हो रही है सर, मैं 2 महीने से बहुत परेशान हूँ। वो सर चैटिंग में लिखती है कि दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। दोस्तों आजकल ये गाना बड़ा ट्रेंड में चल रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के उप जिला अधिकारी ज्योति मौर्य, जिनके पति ने अपनी छोटी सी सफाई कर्मचारी वाली तनख्वाह में अपनी पत्नी को पढ़ाया, और आज मैडम किसी दूसरे के साथ न केवल चक्कर चला रही है बल्कि दबा के घूस खा रही है, और अब तो पति को जान से मारने की धमकी भी दे रही है। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया है कि देश के सैकड़ों पतियों ने अपनी पत्नियों की पढ़ाई छुड़वा दी। और ये सब तो कुछ भी नहीं, इंटरनेट पर कई सारी वीडियोस भी वायरल हो रही हैं, जिसमें ज्योति मौर्य के अभद्र भाषा का प्रयोग करने की बात कही जा रही है। तो आखिर क्या है पूरा मामला, आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको बताने वाला हूँ। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। सोशल मीडिया पर मौर्य पति पत्नी को लेकर विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है, और उसके कई सारे वीडियोज भी वायरल हो रहे हैं। कभी पति पत्नी के बीच की फोन कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होती है, तो कभी खुद आलोक मौर्य कैमरे के सामने आकर अपना दुख बयां कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि ज्योति मौर्य अपने पति और ससुर को गालियां दे रही है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, एक महिला काफी गंदे तरीके से बातें कर रही है। लेकिन हम ये भी देख सकते हैं कि वीडियो में चेहरा ब्लर है और कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ये वीडियो ज्योति मौर्य का ही है या फिर किसी और का। पर इसके अलावा कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो धीरे धीरे तूल पकड़ रहे हैं। जहां सबसे पहले तो ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य का कहना है कि मैंने अपनी पत्नी को अपनी छोटी सी तनख्वाह से इतना पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज वो SDM की कुर्सी पर बैठी है, लेकिन उसी कुर्सी का रौब दिखाकर अब वो अपने पति को ही धमका रही है और कह रही है कि मेरे और मनीष के खिलाफ जो भी आरोप तुमने लगाए हैं उसे वापस ले लो, वरना तुम जिंदा नहीं बचोगे। अब आप सोच लीजिए, ये एक पत्नी अपने पति से कह रही है, उस पति से जिसने अपनी सफाई कर्मचारी वाली नौकरी से उसे पढ़ाया। अब इस तरह की चीजें जब सामने आती हैं तो समाज पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, और जितने भी निचले सोच के लोग हैं जो पहले से ही बहु बेटियों की पढ़ाई के खिलाफ थे, अब तो और भी ज्यादा छाती चौड़ी करके बोल रहे हैं कि लड़कियों को पढ़ाओगे तो यही होगा ना। इंटरनेट पर पढ़े लिखे लोग भी बेटियों की पढ़ाई को लेकर जमकर ट्रोलिंग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि औरतों को ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए, इतने बड़े पद पर नहीं होना चाहिए कि वो दूसरों का अपमान करने लग जाएं। ऐसे में आप खुद ही सोचिए, क्या किसी एक ज्योति मौर्य के इस तरह से करने पर पूरी की पूरी महिला जाति को गलत कहा दिया जाएगा? क्योंकि जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं उसे देखते हुए यही लग रहा है कि ज्योति मौर्य का जो केस है वो समाज पर बहुत ही बुरा असर डालने वाला है। जहां लगभग 150 से ज्यादा पतियों ने अपनी पत्नियों की पढ़ाई छोड़वा दी, और न जाने कितनी बेटियों को उनके माँ बाप ने भी पढ़ाने से इनकार कर दिया होगा, क्योंकि इस तरह की गंदी चीजें समाज में बहुत ही तेजी से फैलती हैं। लेकिन ऐसी हरकत करने वाले लोगों से हम ये सवाल करना चाहते हैं कि वो लोग तब कहां जाते हैं जब देश की बेटियां टॉप करके अपना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करती हैं। अभी कुछ ही समय पहले UPSC रिजल्ट निकला जिसमें सभी टॉपर्स लड़कियां ही थी, तो क्या वे सभी इस तरह की हरकतें करेंगी? नहीं, कुछ लड़कियां अपने परिवार और उनके प्यार के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण मध्य प्रदेश की निशा भांगड़े हैं, जिन्होंने सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की और SDM का पद हासिल किया। लेकिन जब निशा को अपने ही घर में गृह प्रवेश के लिए अनुमति नहीं मिली तो उसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, और यह खबर तेजी से वायरल होने लगी और लोग अब ज्योति मौर्य और निशा की तुलना कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि एक तरफ तो एक महिला अपने परिवार के लिए अपना पद छोड़ देती है, तो वहीं दूसरी तरफ एक महिला पद पाने के लिए अपने परिवार को छोड़ रही है। वैसे दोस्तों ये मामला दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा।
क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा है इस केस से जुड़े सबूत सामने आ रहे हैं। क्योंकि पहले तो आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाया था, अब वो अपनी पत्नी का घुसखोरी करने का सारा कच्चा चिट्ठा लेकर बैठे हैं और कह रहे हैं कि उनकी पत्नी ने अपने पद का दुरुपयोग किया और घूस ली, जिसकी वजह से आज वो करोड़ों की मालकिन बन गई है। वहीं दूसरी तरफ ज्योति मौर्य का कहना है कि आलोक ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ज्योति ने आलोक को दहेज देने से इनकार कर दिया। जी हाँ, ज्योति ने भी अपने पति के खिलाफ दहेज का आरोप लगाया और कहा है कि आलोक ज्योति से फॉर्च्यूनर गाड़ी और लाखों रुपए मांग रहे थे, लेकिन जब ज्योति ने मना किया तो आलोक ने उसे बर्बाद करने की धमकी दी। यहां तक कि जब रिपोर्टर्स ज्योति मौर्य के घर जाते हैं तो वहां पर ज्योति मौर्य के पिता उन दोनों की शादी का कार्ड दिखाते हैं कि कैसे आलोक ने उनसे झूठ बोलकर शादी की। आलोक ने बताया था कि वो ग्राम पंचायत अधिकारी है और यही चीज शादी के कार्ड में भी लिखी हुई थी और आलोक शुरू से ही झूठ बोलते आ रहे हैं। और अगर हम पति पत्नी और वो यानी जिस होमगार्ड कमांडेंट मनीष के साथ ज्योति मौर्य के अफेयर की बात चल रही है उसके बारे में बात करें तो उनकी पत्नी का कहना है कि मनीष सही इंसान नहीं है, ये पहले भी लड़कियों से जुड़े विवाद में फंस चुके हैं। ऐसे में देखा जाए तो ये पूरा लव ट्रायंगल का जो खिचड़ी है ना वो हर रोज ज्यादा से ज्यादा मसालेदार हो रहा है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर इसकी चर्चाएं भी बढ़ रही है, लोग इस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। पर हमारे हिसाब से लोगों को बिना सच जाने अपने राय नहीं बनानी चाहिए, क्या पता इसमें पति पत्नी दोनों की ही गलती हो या फिर कुछ और भी हो सकती है बात। और सबसे खराब बात कि केवल ज्योति मौर्य की वजह से देश की न जाने कितनी सारी बहू बेटियों को पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। बाकी आपका इस पर क्या राय है कमेंट में बताने। इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब अभी कर लो। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।